अभी ये बताओ मेरे को कि इंजन में क्या कराया आपने? इंजन में हेड से, हेड सबसे ट्यूनिंग होती है। हाँ हाँ, तो बाकी वो उनका ये मेरे को तो बस ट्यूनिंग का बता रहा था। एक तरीके से देखा जाए तो ECU रीमैप हो गया। ECU रीमैप होता है। हाँ हाँ, तो भाई ECU जो होता है वो अपना रीमैप होता है। भाई ये देख रहे हो आप, ये CNG वाली गाड़ी अपनी, और भाई ने ना इसमें से वो भी हटा रखी है अपनी, है स्टेपनी। स्टेपनी का कोई काम है ही नहीं अलॉय व्हील के बाद भाई। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई बलेनो। आपने पहले भी मेरे चैनल पे देख ली होगी वीडियो, बट भाई ने कुछ यूनिक ही काम करा दिया भाई गाड़ी में, तो वो सारी चीज़ें दिखाएंगे और बताएंगे, और स्किप मत करना भाई वीडियो। भाई ये वाली अपनी गाड़ी है, और देख रहे हो भाई ने क्या गाड़ी बना रखी है। और ये भाई गाड़ी अपनी है भाई गीतांशु भाई की। तो गीतांशु भाई क्या हाल चाल आपके? तो भाई एक बार ये बता दो आप हो कहाँ से? वैसे मतलब आप पहचान नहीं पाओगे, कुशा किरण की है, बाकी अलीपुर के नाम से पहचान लो, नरेला साइड। नरेला साइड से है भाई, दिल्ली अपना। और गाड़ी देख रहे हो भाई, आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन गाड़ी में ना भाई बहुत कुछ काम हो चुका। तो भाई पहले ये बताओ कि स्टार्टिंग में आपने क्या कराया आगे से? आगे से स्टार्टिंग में मैंने RS ग्रिल लगवाई है। अच्छा, ये RS वाली ग्रिल। अच्छा, ये बलेनो में ऐसा है कि बाहर से लगानी पड़ती है? ये शिफ्ट में ना इनबिल्ट होता, मतलब हटा के वो अलग से लगा दो। अब इसमें ना अंदर ओरिजिनल वाली भी और बाहर से ये भी लग गई। और हेडलाइट में कुछ काम कराया? हेडलाइट अभी हाँ टॉप मॉडल में जो आती है। और मेरे ख्याल से शायद आपने हैलोजन थी ना ये अपनी? हाँ, हैलोजन थी। तो इसमें LED कितने वोल्ट की लगवा दी आपने? ये शायद है 120 वाट की है। 120 वोल्ट में लगवा दी। और अभी ये बताओ भाई, ये वैनम का क्या चक्कर है? वैनम का चक्कर ऐसा, इस गाड़ी का नाम है वैनम। अच्छा, नाम दे दिया अब आपने वैनम। तो भाई ये वाली नंबर प्लेट तो मेरे ख्याल से इलीगल है। हाँ भाई, गाड़ी इलीगल है तो भाई ये नंबर प्लेट से क्या ही फर्क पड़ेगा। बाकी भाई देखो, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कभी वीडियो रील वगैरह बनती है तब लगाई जाती है ये। और बाकी वैसे तो भाई अपना ये नॉर्मली चलती है, बाकी कोई आवाजी नहीं है, बाकी आप वीडियो उठा सकते हो। हाँ, कहीं दूर की भी होगी, मेरी चंडीगढ़ साइड की वीडियो भी होगी, तो मेरी वैनम ही लगी पाएगी। मेरे नंबर प्लेट इसी नंबर प्लेट में चलती है गाड़ी। हाँ, और बाकी रिक्वायरमेंट यही है कि ना करें, ना लगाओ भाई, इलीगल है भाई। गाड़ी थाने में बंद हो गई ना। हाँ, तो बहुत मुश्किल है छूटनी, छूटनी भाई बहुत मुश्किल हो जाती है। और भाई यहाँ पे जो स्प्लिटर लगवा रखे हैं ना भाई, एक बात बताओ, जैसे आज के टाइम में ना जो स्प्लिटर चल रहे हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं, एक तरीके से जैसे लिपो स्पॉइलर होता है ना। हाँ, उस तरीके के दिखते हैं, काफी एल्युमिनियम के भी चल रहे हैं इसमें। हाँ, प्लास्टिक वाले भी चल रहे हैं। बाकी ये मतलब जो होते हैं ना, थोड़ी अंदर की साइड को लगते हैं, ये मैंने थोड़ी बाहर की साइड की करा रखी है लुक की वजह से थोड़ा। हाँ, और आगे से ना गाड़ी यार पूरी मॉन्स्टर जैसी लुक हो जाती है गाड़ी की। और ये है ना देखो, इसकी विद देखो भाई, इतने तो छोटे छोटे, और भाई ग्लॉस ब्लैक में है, और मेरे ख्याल से ABS वाले हैं ये। तो भाई इनकी क्या कुछ कॉस्ट पड़ गई थी ये? वैसे तो मेरे को तो मतलब थोड़े महंगी पड़े हैं, 4500 रुपए के अराउंड। ये 3000 रुपए के अराउंड आ जाते हैं। 3000 रुपए के अराउंड आ जाते हैं। मैं थोड़ा चला मतलब क्या कहते हैं, गलत जगह चला गया था, तो इसलिए।
अच्छा, तो अभी आपने जहाँ से लगवाए 4500 रुपए में लगवाए हैं, तो 3000 रुपए में आ जाएंगे। रिस्पांस कैसा है अभी इनका? रिस्पांस मेरे भी ऐसा है कि आप ना तो गड्ढे में चला सकते हैं, हाँ, ब्रेक करके चला सकते हैं, हाँ, और गाड़ी किससे ना लो हो जाती है एक तरीके से। ये बस ये है आपके लिए लुक के लिए, अगर शो करना है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 4500 रुपए में साइड वाले पीस भी आते हैं, तो भाई मेरे को ये बताओ, अगर अलॉय व्हील की बात करें तो कितने इंच के अलॉय व्हील लगवा दिए? 17 इंची है, प्लाटी 225। कंपनी कितने इंच देती है? कंपनी 16 इंच 16 इंच देती है। अच्छा, टॉप मॉडल के अंदर तो अलॉय व्हील आते हैं ना, नॉर्मल वाले में तो मेरे ख्याल से 15 या 14 इंच के रिम देती है, तो ये 16 इंच के प्लाटी के हैं। अच्छा भाई, ये 17 इंच के हैं। ये 17 इंच है, 17 इंच और कंपनी 16 इंच के देती है। देखो भाई, 16 इंच के अलॉय व्हील, 17 इंच के भाई ने, 17 वाले इंच ये, हाँ, 18 इंच भी कर्व है ना ये बार को, भाई ने 17 इंच लगवा रखे, और ये है ना भाई कॉनकेव वाले हैं, कॉनकेव वाले हैं। और भाई एक चीज यूनिक बताता हूँ मैं आपको, भाई सारी गाड़ी वाले पता है क्या करते हैं, रेड करवा लेते हैं भाई, ब्लू करवा लेते हैं, येलो करवा लेते हैं, लेकिन भाई ने भाई ब्लैक ही करवा रखा भाई को। ब्लैक और व्हाइट भाई अलग ही फेवरेट है भाई, भाई का देख लो भाई, ड्रेस अभी देख लो वही है, तो भाई का भाई फेवरेट है ब्लैक और व्हाइट। और गाड़ी भाई जैसे अपनी अभी धुलवाई थी ना, तो आप देख रहे हो ये ब्लैक गाड़ी में ना यही होता है कि अभी कितनी गंदी हो गई भाई, पूरी डस्ट वगैरह लग चुकी है, और बारिश का सीजन चल ही रहा है अपना, चल रहा है एक हफ्ते से ना लगातार गाड़ी धुलवा रहा हूँ वही। और बाकी अपने टायर प्रोफाइल भाई बताऊँ आपको मैं, आप तो भाई है भाई ये 225 45 R17 की भाई प्रोफाइल है। और भाई ने ना यहाँ पे अपने ABS वाले भाई M3 M स्टाइल वाले बोलते हैं ना, तो भाई इनकी क्या कुछ कॉस्ट पड़ गई थी? इनकी कॉस्ट सच बताऊं तो मेरे को भी वैसे 2300 रुपये के है, मेरे को 2500 रुपये के पड़े थे। अच्छा, 2300 रुपये के आपको, 2500 रुपये के पड़े थे, मतलब 2500 रुपये के मेरे, मैं बोला था मैं थोड़ी गलत जगह चला गया था। अच्छा, गलत जगह चले गए थे, इसलिए वैसे 2300 रुपये के। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इतना तो चलता है भाई, थोड़ा बहुत भाई दुकान वाला बैठा है वो भी थोड़ा बहुत कमाने, 200 रुपये में कुछ ही नहीं है भाई। बाकी भाई देखो इनसे लुक तो बढ़िया हो ही जाती है, और ये साइड वाला भी भाई जैसे आपने बताया ये भी उसी के साथ आता है, फ्रंट वाले की बात की कोई दिक्कत नहीं आती, बस आगे वाले की दिक्कत रहती है, ये कभी लेंगे भी नहीं, ये कभी कुछ दिक्कत भी नहीं होगी भाई। और इनकी क्वालिटी भी अच्छी भाई, ABS में जो रहता है ना इनकी क्वालिटी बढ़िया रहती है, और ये तो भाई देखो थोड़ी सी ना गाड़ी स्पोर्टी सी लगती है। और बात करें भाई, अच्छा मैं आपको एक बार बता देता हूँ भाई, जो जेड ब्लैक है भाई रिकमेंड नहीं है, और नंबर प्लेट भाई हम रिकमेंड करते नहीं है, आप अपनी मर्जी से करवा सकते हो भाई, अपने रिस्क पे करवा सकते हो। और बात करें भाई पीछे से, तो पीछे से क्या करा दिया अब आपने? पीछे से मैंने बोर लगा, एग्जॉस्ट। अच्छा, एग्जॉस्ट लगवा दिया है, हाँ। तो भाई देख लो बोरला का भाई अपना एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और ये मेरे ख्याल से वो है ना वेल्वेट्रॉनिक वाला, तो भाई ने देखो बोरला का एग्जॉस्ट लगवा दिया वेल्वेट्रॉनिक वाला, और ये रिमोट से भाई अपना कंट्रोल हो जाता है, और पीछे भी भाई ने नंबर प्लेट वगैरह लगा रखी है। और ये स्पॉइलर कौन सा है भाई अपना? ABS का बटरफ्लाई, बटरफ्लाई वाला। अच्छा, इसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं ना, तो इसकी क्या कुछ कॉस्ट पड़ गई थी? बयालीस सौ। अच्छा भाई एक बात देखो, जैसे अपना एग्जॉस्ट है ये कहाँ से लगवाया था आपने? ये मैंने साइलेंसर ग्यारह से लगवाया, साइलेंसर ग्यारह से, हाँ। अपने CP में तो कितने का पड़ा था ये? मेरे को पड़ा था टोटल 31-32 हज़ार रुपये का पड़ गया था, 31-32 हज़ार रुपये का। अच्छा, तो खाली वेल्वेट्रॉनिक और विट टिप है, और जो ट्यूनिंग पड़ी थी मेरे को 45,000 रुपये में ट्यूनिंग करवाई थी। तो भाई ट्यूनिंग के बारे में बात करेंगे, बाकी भाई डिग्गी खोल के एक बार दिखा दो क्या करा रखा आपने भाई। ये देख रहे हो आप, ये CNG वाली गाड़ी अपनी, और भाई ने ना इसमें से वो भी हटा रखी है अपनी, है स्टेपनी का कोई काम है ही नहीं अलॉय व्हील के बाद भाई। तो स्पेस देख रहे हो भाई, नीचे भी पूरा स्पेस है, और यहाँ पर भाई ने लगा रखी है अपनी JBL की भाई बेस ट्यूब, और इधर भाई ने एम्प लगा रखा अपना साउंड बैरियर। तो भाई क्या रिस्पॉन्स है JBL का भाई, नाम तो भाई बढ़िया चलता है JBL का, मस्त है, मतलब मेरे को इतने बड़े सिस्टम की जरूरत भी नहीं है, यही काफी अंदर मेन है, अंदर का गाड़ी के अंदर तो भाई, और JBL का भाई जो जिस तरीके से नाम है ना भाई ओरिजिनल बेस में बढ़िया मजा आता है। तो भाई ने डिग्गी में तो भाई सिस्टम कराता, अब करा रखा है, अब आपको दिखाते हैं भाई आगे वाला। अभी ये बताओ मेरे को कि इंजन में क्या कराया आपने? इंजन में हेड से, हेड सबसे ट्यूनिंग होती है, हाँ हाँ, तो भाई ने हूटर भी लगवा रखा है। तो भाई ये बताओ कि अब जो पहले थी पावर गाड़ी की और अब की पावर में क्या फर्क है? मतलब अब तो भक्ति होगी भाई, बलेनो RS बन चुकी है अभी ये। और ये हूटर वगैरह की बताओ भाई कितनी कॉस्ट पड़ी वगैरह? ये एक बाल्टी है
हाँ ये भी भाई देखो अपना इल्लीगल है, बाकी करवाना चाहो तो कर सकते हो भाई, हर जगह बजाने के लिए नहीं होती है, जहाँ भाई कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है वहाँ बजाई जाती है। और भाई एक चीज़ और मेरे को ये बताओ कि जैसे अपना ट्यूनिंग में कितने रुपए लगे आपके? ट्यूनिंग में 45,000 रुपये। 45,000 रुपये लगे हैं पूरे? और भाई बात करें अगर अंदर से, तो अंदर से भाई गाड़ी अपनी टॉप मॉडल है, तो टॉप मॉडल में आपको पता ही भाई ये सारी चीज़ें आती है। बाकी भाई अंदर से क्या क्या करा दिया आपने? अंदर से मैंने बस अभी ये JBL के स्पीकर लगवाए हैं और अच्छा, ये वोकल्स। अच्छा JBL के यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह लग गए हैं और ये अपने ब्लू जोन के फुल रेंज वगैरह बोलते हैं, मिड रेंज या फुल रेंज बोलते हैं, ये वोकल्स बोलते हैं इसको, वोकल्स। ये वोकल्स लगवा रखे भाई ने और ये अपनी ब्लू जोन की है। तो अभी भाई सिस्टम में कितना पैसा लगा रखा आपने टोटल? सिस्टम में तो बाकी अभी ये लगा लो 22,000 से 23,000 रुपए की बेस ट्यूब लगी थी और 5,500 रुपए के ये लगे थे वोकल्स। बस तो मतलब 30,000 रुपए अराउंड लगा लो सारी वायरिंग वोरिंग और सॉरी ये स्पीकर्स पड़े थे मेरे को शायद 10,500 रुपए के दो पेयर। अच्छा हाँ, और 20,000 रुपए के ये लगा लो, मतलब 50,000 रुपए लगा लो टोटल। और टोटल कितने पैसे लगा दी गाड़ी पे? टोटल लगा लो आप ये 2.5 या 2 AC के अराउंड। 2.5 या 2 AC के अराउंड लगा दिए। तो मेन चीज़ आपको भाई ट्यूनिंग और साइलेंसर थोड़ा सा महंगा पड़ा है ना? हाँ, और ट्यूनिंग में भाई ने दिया 45,000 रुपये और साइलेंसर में दिया 30-32,000 रुपये। तो भाई अपना हेडफोन वगैरह लगा लेना, आपको बेटर वॉइस क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी। तो चला दो भाई एक बार। एग्जॉस्ट वगैरह वो सुना देते हैं, तो एक बार ऑफ करके साउंड सुनाओ भाई, पहले ऑन कर दो। बस भाई बताओ कि अभी तक टोटल कितने रुपए लगा दिए? मतलब 3,00,000 रुपए के आसपास अप्रोक्स लग चुके हैं अपने। अच्छा भाई आपने अंडरबॉडी लाइट भी लगा रखी क्या? वो फिर भाई बारिश में भी टिकेगी भी नहीं है ना, तो भाई ने देख रहे हो भाई 3,500-3,500 रुपए के आसपास, 3,00,000 रुपए के आसपास भाई ने लगा दिए। और बाकी भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग जरूर बताना भाई कि कैसा लगा भाई आपको, गाड़ी कैसी लगी आपको और गाड़ी में कौन सा काम आपको बढ़िया लगा, तो कमेंट करके जरूर बताना भाई।